हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेल जगत में 2020 में किन किन खिलाड़ियों को अवार्ड्स दिए गए हैं और साथ ही हम जानेंगे स्पोर्ट अवार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं और उनको जीतने वालों को कितनी धनराशि मिलती है। ये सब हम जानेंगे डिटेल में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मेरा नाम है अजहर अली और आप देख रहे हैं लर्न वैली। लेट्स गेट स्टार्टेड। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर वर्चुअल आयोजित किया जाएगा, जहां चयनित एथलीट, कोच और अन्य विजेता राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण केंद्र में इकट्ठा होने के बाद राष्ट्रपति भवन से लाइव जुड़ेंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं खेल पुरस्कारों की। सबसे पहले हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न की। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल में खेल क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में हुई थी। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आइए देख लेते हैं वो खिलाड़ी कौन है और किस खेल से संबंधित हैं। सबसे पहले हैं रोहित शर्मा, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट है मनिका बत्रा, ये हैं टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है मरियप्पन थंगावेलू और ये हैं पैरा एथलीट हाई जंपर। नेक्स्ट है विनेश फोगाट, ये रेसलिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है रानी रामपाल, ये संबंधित हैं महिला हॉकी से। तो ये थे वो 5 खिलाड़ी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। यहाँ मैं आपको एक नोट पॉइंट बता दूँ, रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले 4थे क्रिकेटर होंगे। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को ये अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। 2020 में 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें से कुछ खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दुंती चंद, ये एक एथलीट हैं। नेक्स्ट है ईशांत शर्मा, ये एक क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है दीप्ति शर्मा, ये एक महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है दिव्या काकरन, ये एक रेसलर हैं। नेक्स्ट है मनु भाकर और सौरभ चौधरी, यह दोनों शूटिंग से संबंधित हैं। अब हम बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया जाता है, मतलब भारत में प्रतिभाशाली कोचों को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। 2020 में लाइफ टाइम की श्रेणी में 8 कोचों को तथा नियमित श्रेणी में 5 कोचों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड की। यह अवार्ड खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। इसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी। 2020 में 15 व्यक्तियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन 15 व्यक्तियों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो हैं स्वर्गीय श्री सचिन नाग, ये तैराकी से संबंधित हैं और इनको मरणोपरांत ये अवार्ड मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956-57 में शुरू की गई। ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को प्रदान की जाती है। 2020 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिली है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि पहले विजेता राशि कितनी थी और अब बढ़कर नई विजेता राशि कितनी हो गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न की। तो इसकी पहले विजेता राशि थी 7.5 लाख, जो कि बढ़कर अब हो चुकी है 25 लाख। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड, ये पहले 5 लाख थी और अब बढ़कर 15 लाख हो गई है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये पहले थी 5 लाख और अब बढ़कर 10 लाख हो गई है। उसके बाद लास्ट है ध्यानचंद अवार्ड, ये पहले 5 लाख थी और अब 15 लाख हो गई है। तो ये थी दोस्तों 2020 स्पोर्ट्स अवार्ड्स की मुख्य जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।